गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस के बारे में, और फेजेस के अंदर जो चेंजेस आते हैं यूट्रस और ओवरी के अंदर, उन चेंजेस में कौन कौन सी, या फिर उन जो यूट्रस और ओवरी है उनके अंदर कौन कौन सी फेज है वो कंप्लीटेड होती हैं। तो फर्स्ट अपन ने चेंजेस पढ़ लिया था, ओवेरियन चेंजेस। ओवेरियन चेंजेस में दो फेजेस होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ओवरी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस दो फेज में कंप्लीट होते हैं, फर्स्ट फोलिकुलर फेज और सेकंड ल्यूटियल फेज। फोलिकुलर फेज है उसका टाइम ड्यूरेशन 6 to 14 days होता है, और जो ल्यूटियल फेज है उसका टाइम ड्यूरेशन 14 to 28 days होता है। तो फर्स्ट जो फोलिकुलर फेज है उसमें अपने डिस्कस किया था कि फोलिकुलर फेज में क्या होते हैं, फोलिकल्स का मेच्योरेशन होता है, इमेच्योर फोलिकल से मेच्योर फोलिकल्स बनते हैं, और इमेच्योर फोलिकल से जो मेच्योर फोलिकल बनते हैं उन मेच्योर फोलिकल को ग्राफिन फोलिकल बोलते हैं, और फिर उन ग्राफिन फोलिकल को मेच्योर करवाने में हार्मोन कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेटेड किया जाने वाला गोनेडोट्रोपिन कौन सा, FSH फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो इमेच्योर से मेच्योर फोलिकल को कन्वर्ट करता है ग्राफिन फोलिकल में, उसके दौरान हार्मोन रेस्पॉन्सिबल FSH। और नेक्स्ट जो ग्राफिन फोलिकल बन गए थे, मेच्योर फोलिकल बन गए थे, उनको रप्चर करवाने में कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो ओवुलेशन है उसके लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। नेक्स्ट जो ग्राफियन फोलिकल था उसके रप्चर हो जाने के बाद जो मटेरियल बचता है ओम रिलीज हो गया, रिलीज होने के बाद जो रप्चर्ड पीस ऑफ जो ग्राफिन फोलिकल का जो मैटर था उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, जो कि येलोविश कलर का होता है, और उस ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का ही निर्माण होता है जो ग्राफिन फोलिकल के रप्चर होने के बाद जो मटेरियल बचता है। ल्यूटियल फेज के अंदर किसका काम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का ही काम होता है, जो क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, एस्ट्रोजन कोरस्पॉन्डिंग प्रोजेस्टेरोन के कम अमाउंट के अंदर सिक्रीट करता है, और प्रोजेस्टेरोन है वो लार्ज अमाउंट के अंदर सिक्रीट करता है। उसके बाद बात आती है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम 12 वीक तक, जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन फुली तरीके से नहीं हो जाता है तब तक क्या करता रहता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता रहता है, और प्रेगनेंसी को क्या करता है, मेंटेन करता है। और उसके अंदर मेंटेन करने में कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट किया जाता है, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन ही क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेनेंस करता है। इसलिए प्रोजेस्टेरोन को अपन दूसरा नाम भी दे सकते हैं, प्रेगनेंसी को, इस प्रोजेस्टेरोन को अपन प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सेकंड थिंग क्या आती है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम हो वो क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, और डिसअपीयर अगर होता है तो लास्ट एंड तक जो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो एंडिंग टाइम है वहाँ तक वो क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है 26 से 28 दिन तक, और जो अपनी एंडोमेट्रियम या फिर जो ओवरी है वो अपनी नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट साइकिल के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाता है, नेक्स्ट फेज स्टार्ट करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। ये तो था ओवेरियन चेंजेस। नेक्स्ट सेकंड अपन चेंजेस पढ़ेंगे, कौन सा, यूटेराइन चेंजेस। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कि यूट्रस है उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस हैं वो दिखाई देते हैं, किसके दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। इसके अंदर है वो चेंजेस, अपन उनको तीन फेजेज में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ब्लीडिंग फेज, टाइम ड्यूरेशन बताया था 1 to 5 days, सेकंड प्रोलिफरेटिव फेज, टाइम ड्यूरेशन 6 to 14 days, नेक्स्ट थर्ड सीक्रेटरी फेज, फोर्टीन्थ टू 28 days। जैसे ही
यूट्रस के अंदर एक पर्टिकुलर एक सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कौन कौन से चेंजेस दिखाई देते हैं और वो चेंजेस कौन कौन सी फेज के अंदर अपन उनको पर्टिकुलरली क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट फेज ब्लीडिंग फेज 1 to 5 days, नेक्स्ट प्रोलीफरेटिव फेज 6 to 14 days, नेक्स्ट सीक्रेटरी फेज जिसके अंदर 14 to 28 days का होता है। फर्स्ट फेज अपन डिस्कस करते हैं ब्लीडिंग फेज। टाइम ड्यूरेशन 1 to 5 days। इस फेज के दौरान क्या होता है कि इस्ट्रोजन है वो डिक्रीज हो जाता है। इस्ट्रोजन है वो इस फेज के स्टार्टिंग यानी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंडिंग में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होती है वो कैसे होती है उसकी एज ए पैथोफिजियोलॉजी देखना कि किस किस फेजेज के द्वारा कौन कौन से इसके अंदर चेंजेस दिखाई देते हैं। इस्ट्रोजन की अमाउंट डिक्रीज हो जाती है तो जो इस्ट्रोजन की डिक्रीज अमाउंट है वो क्या करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वो क्या करेगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कौन सी आर्टरी का, यूटेराइन आर्टरी। यूटेराइन आर्टरी है वो अपने यूट्रस को ब्लड सप्लाई करती है। तो जैसे ही वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाने के बाद यूट्रस को ब्लड सप्लाई कम होने लग जाएगी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को ब्लड सप्लाई कम होने लग जाएगी तो जैसे जैसे ब्लड सप्लाई कम होगी तो इसके अंदर क्या आएगा, क्या डेवलप हो जाएगा, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया है, अगर हाइपोक्सिया की स्टेज वैसे ही बनी रहती है तो कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाती है, नेक्रोसिस। उसके बाद नेक्रोसिस डेवलप हो जाती है और नेक्रोसिस क्या होता है, सेल डेथ। तो एंडोमेट्रियल सेल डेथ, एंडोमेट्रियम है उसकी सेल है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। डेथ हो जाने के बाद वो क्या होते हैं, शेडिंग होते हैं, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल। कि एंडोमेट्रियम है उसकी वॉल है उसकी शेडिंग धीरे धीरे वो क्या होती जाती है, नीचे की तरफ शेड होती जाती है, झड़ती जाती है। तो जैसे ही एंडोमेट्रियम की जो वाल है उसके प्रेजेंटिंग जो सेल है वो शेडिंग होते जाएंगी तो वहाँ की जो प्रेजेंटिंग, क्योंकि अपनी स्किन है जैसे ही रप्चर होती है तो उसके इन साइड के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और वो ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स ओपन, ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी और वहाँ से क्या निकलेगा, ब्लड, यानी वहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाएगी। किससे, एंडोमेट्रियम की इनर लेयर और कौन सी फंक्शनल लेयर, वहाँ से ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या होता है नेक्स्ट, जैसे ब्लीडिंग हो रही होती है ये यूट्रस सर्विक्स और वेजाइना, तो इसकी ये एंडोमेट्रियम है वो क्या होती है, वहाँ से शेडिंग होती है। जैसे ही डेड एंडोमेट्रियम है और ब्लड जो यहाँ से निकल रहा है वेस्ट ब्लड, वो वहाँ पे अपनी इंट्रा यूटेराइन कैविटी है उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिपोजिटेड होने लग जाएगा। तो जैसे ही वहाँ पे वो क्या होगा, डिपोजिट होगा तो धीरे 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 उसका क्या होने लग जाएगा, जो अपना यूट्रस है उसके अंदर स्टिमुलेशन मिलने लग जाएगा। इसकी जो सेंसरी नर्व है वो क्या हो जाएंगी, स्टिमुलेट हो जाएंगी, यानी इसके अंदर क्या है, वेस्ट ब्लड डिपोजिटेड होने लग गया तो यूट्रस की जो सेंसरी नर्व है वो स्टिमुलेट हो जाएंगी। जैसे ही सेंसरी नर्व स्टिमुलेट होंगी तो वो क्या करेंगी, अपने हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेंगी। हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेंगी, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद हाइपोथैलेमस किसको मैसेज करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज करेगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उससे एक हार्मोन का सिक्रीशन करवाएगा जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, और ये ऑक्सीटोसिन डायरेक्टली किसके ऊपर आके एक्शन करेगा, यूट्रस के ऊपर
और यूट्रस के कौन सी वाल के ऊपर? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के ऊपर आके एक्शन करेगा और मायोमेट्रियम पे जैसे एक्शन करेगा तो ऑक्सीटोसिन का एक्शन वहाँ पे क्या होता है, उस मायोमेट्रियम को क्या करवाना, कॉन्ट्रैक्ट करवाना, कॉन्ट्रैक्शन करवाना। तो मायोमेट्रियम उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे, अपने यूट्रस है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो उसके अंदर जो डिपोजिटेड जो डेड सेल्स वेस्ट ब्लड वहाँ पे था वो धीरे धीरे इस यूटेराइन कैविटी या फिर के द्वारा उसके बाद जो अपना वेजाइनल पाथवे है उससे बाहर क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, जो ब्लड है वो बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। और जो भी एक्सपेल्ड आउट जो ब्लड है वो टोटली क्या होगा, टोटली वेस्ट ब्लड, टोटली वेस्ट ब्लड होगा। और मैंने बताया था नॉर्मली जो एक सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर एवरेजन 35 ml ब्लड है उसका क्या होता है, लॉस होता है, ब्लड लॉस एक सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल में 35 ml और रेंज 22-80 ml ये नॉर्मल है। किसी में 35 भी हो सकता है, किसी में 60 भी हो सकता है, तो किसी में 25 भी हो सकता है। तो एवरेजन एक रेशियो के अकॉर्डिंग 35 ml नॉर्मली ब्लड है वो क्या होता है, एक सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान लॉस होता है। जैसे ही ब्लीडिंग फेज कंप्लीट होती है 5 days तक ब्लीडिंग होती रहती है, एंडोमेट्रियम है वो सेडेड होती रहती है। तो नॉर्मली इसकी जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस 5 से 6 mm होती है, ध्यान में रखना एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस 5 से 6 mm होती है। और जैसे जैसे ब्लीडिंग फेज एक दिन से पाँचवें दिन फर्स्ट डे से इसकी सेडिंग होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद 5th day तक क्या होता है उसकी सेडिंग होती रहती है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ऑक्सीटोसिन है वो क्या हो जाता है, वापस अपने धीरे धीरे नॉर्मल अमाउंट के अंदर पहुंच जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वापस वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन रुक जाता है और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन रुक जाएगा तो धीरे धीरे उसके वापस क्या होने लग जाएंगी, उस सेल का वापस ब्लड सप्लाई स्टार्ट होने लग जाएगी और धीरे धीरे वापस वहाँ पर ब्लड जो सेल है नॉर्मली जो प्रेजेंटिंग जो सेल एंडोमेट्रियम की वो वापस वहाँ पे फॉर्म होने लग जाएंगी। वो नेक्स्ट फेज के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। इसके दौरान क्या होता है, इसके अंदर ब्लीडिंग होती है और जो डेड एंडोमेट्रियम है उसका क्या होता है, शेडिंग होता है, एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है। उस दौरान नॉर्मली उसका जो अपनी एंडोमेट्रियम है ब्लीडिंग फेज से पहले उसकी थिकनेस 5 to 6 mm थी, लेकिन जैसे जैसे ब्लीडिंग फेज 5th day तक पहुंचती है उस दौरान एंडोमेट्रियम की शेडिंग होके और कितनी हो जाती है, 1 से 2 mm कम हो जाती है, 1 से 2 mm कम हो जाती है, जैसे कि 4 से 5 mm इसकी जो थिकनेस है वो बचती है, बाकी की क्या हो जाती है, सेडेड आउट हो जाती है। एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस है वो सेडेड हो जाती है 3 to 4 mm। और जैसे ही ये क्या होता है, ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, मायोमेट्रियम है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसीलिए जो फीमेल है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। जो लोअर एब्डोमिनल पेन दिखाई देता है वो किसके कारण होता है, ऑक्सीटोसिन और मायोमेट्रियम है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस कारण क्या होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन उस फीमेल क्लाइंट के अंदर होता है। ये है ब्लीडिंग फेज 1 to 5 days। नेक्स्ट सेकेंड फेज प्रोलिफेरेटिव फेज प्रोलिफिरेशन, यानी इसके अंदर धीरे धीरे वापस इसका क्या होता है, प्रोलिफिरेशन होता है, वापस इसकी ब्लड सप्लाई वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो इस फेज के अंदर प्रोलिफरेट यानी वापस इसका क्या होता है, रीजनरेशन होना, ब्लड सप्लाई वापस एंडोमेट्रियम को स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ की जो प्रेजेंटिंग जो एंडोमेट्रियम है, प्रेजेंटिंग जो एंडोमेट्रियम है वो इतनी क्या हो गई थी, लॉस हो गई थी, फॉर एग्जाम्पल इतनी लॉस हो गई थी, ये अंदर अंदर की लॉस हो गई,
फिर क्या होता है, जैसे ही इसको ब्लड सप्लाई स्टार्ट होती है तो वहाँ पे क्या होने लग जाता है, रीजनरेशन होने लग जाता है। तो वापस इसकी क्या हो जाना, ये तो है नहीं कि यहाँ के जो फिर बची बची सेल हैं वो क्या होने लग जाएँ, अपने साइज के अंदर बढ़ने लग जाएँ, कि उसकी थिकनेस को अपने को क्या करना है, रिकवर करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, हाइपर प्लेजिया, हाइपरप्लेजिया होता है। और हाइपरप्लेजिया क्या होता है, जो प्रेजेंटिंग जो सेल है या फिर जो किसी भी लेयर मेम्ब्रेन है उसके नंबरिंग में इंक्रीजमेंट हो जाता है, सेल के नंबर में इंक्रीज होना क्या कहलाता है, हाइपरप्लेजिया कहलाता है। किस वो किस स्टेज के अंदर होता है, ओनली ऑन प्रोलीफरेटिव फेज के अंदर होता है। और इस फेज के अंदर भी एंडोमेट्रियम है, उसकी थिकनेस अबाउट 4 to 5 mm रहती है, क्योंकि वहाँ पे सेल हम वो क्या हो जाती हैं, नंबर में इंक्रीज होने लग जाती हैं। तो जैसे जैसे नंबर में इंक्रीज होंगी तो इतना वापिस पहले जितना क्या नहीं कर पाते, रिकवर नहीं कर पाते, एंडोमेट्रियम की थिकनेस वापिस से रिस्टोर नहीं होती इस फेज के अंदर। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो हॉर्मोन है वो कौन सा है, एस्ट्रोजन हॉर्मोन, एस्ट्रोजन हॉर्मोन है वो इसके लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके इस फेज के अंदर हाइपरप्लेसिया है वो होने लग जाता है, सेल है वो अपने नंबर में इंक्रीजमेंट होने लग जाती है, और कुछ लेवल तक है वो अपने एंडोमेट्रियम है उसका क्या हो जाता है, रिस्टोरेशन हो जाता है 4 to 5 mm। नेक्स्ट थर्ड फेज आती है अपनी सीक्रेटरी फेज, सीक्रेटरी फेज। इस फेज के अंदर जो कंप्लीट रूप से जो अपनी हाइपरप्लेजिया की कंडीशन हुई थी, हाइपरप्लेजिया जो सेल है वो अपने नंबर में इंक्रीजमेंट हुई थी, सेल अपने नंबर में इंक्रीजमेंट हुई थी, और वो भी एज ए कंट्रोल कंडीशन के अंदर। कंट्रोल कंडीशन के अंदर क्या होना है, सेल का इंक्रीजमेंट होना ही क्या कहलाता है, हाइपरप्लेजिया कहलाता है। लेकिन अनकंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर, ध्यान में देना कि अनकंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर सेल है वो अपने नंबर में इंक्रीजमेंट हो जाना, कि कितनी बढ़ रही है, अपनी बॉडी क्या नहीं कर रही है, उसको कंट्रोल नहीं कर रही है, वो क्या कहलाती है, नियोप्लेसिया कहलाता है, वो नियोप्लेसिया कहलाता है। और उसी को अपन क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं, कि सेल है वो अपने नंबर के अंदर इंक्रीज होना और वो उनकी भी क्या होना, सेल की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ क्या कहलाता है, नियोप्लेजिया, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी नियोप्लेजिया जैसी कंडीशन नहीं होती है, यहाँ पे कौन सी कंडीशन क्रिएट हो रही थी प्रोलीफरेटिव फेज के अंदर, हाइपरप्लेजिया। प्रोलीफरेटिव में क्या होता है, हाइपरप्लेजिया की कंडीशन क्रिएट होती है, सेल हम नंबर में इंक्रीजमेंट होती है, एंडोमेट्रियम उसका क्या हो जाता है, समथिंग रिस्टोरेशन हो जाता है, नियरेस्ट पहले की जितनी उसकी थिकनेस थी उसके नियरेस्ट रिस्टोरेशन हो जाता है, और उसको कंप्लीट रूप से पहले की जैसे उसको वापस प्रिपेयर करना कौन सी फेज के अंदर होता है, सीक्रेटरी फेज के अंदर। उसके अंदर हाइपरप्लेजिया के अलोंग कौन सी कंडीशन क्रिएट होने लग जाती है, हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेजिया के साथ में कौन सी, हाइपरट्रॉफी की कंडीशन भी वहाँ पे स्टार्ट होने लग जाती है। हाइपरट्रॉफी क्या होता है, सेल के सेल साइज इंक्रीज होना, जो भी हाइपरप्लेजिया के दौरान जो न्यू सेल्स बनी थी, सेल नंबर में इंक्रीज हुई थी, उसके अंदर क्या होता है, हाइपरप्लेसिया के साथ साथ हाइपरट्रॉफी का भी क्या होता है, निर्माण होता है। और इस सीक्रेटरी फेज के अंदर वापिस जो कि कितने टाइम ड्यूरेशन की होती है, 14 to 28 days के दौरान होती है, और इस फेज के अंदर क्या होता है, वापस उसका रिस्टोरेशन हो जाता है एंडोमेट्रियम का, और वापस 5 to 6 mm है वो रिमेन रह जाती है, वापस जितनी थी उतनी ही क्या वापस रिस्टोर हो जाती है। फर्स्ट फेज ब्लीडिंग फेज के अंदर 1 to 2 mm उसकी शेडिंग हो जाती है, और कौन सी लेयर की, फंक्शनल लेयर की शेडिंग हो जाती है, किसके कारण, ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाने के कारण। और वो ब्लड सप्लाई स्टॉप किस कारण होती है, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी के कारण, और वो क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, जिसके कारण वहाँ की जो प्रेजेंटिंग जो सेल है उसके अंदर नेक्रोसिस डेवलप होकर और वहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, एंडोमेट्रियम की जो वाल है वो क्या हो जाती है, शेडेड आउट हो जाती है। उसके बाद अपनी जो सेकेंड फेज प्रोलीफरेटिव फेज है उसके अंदर क्या हो जाता है, धीरे धीरे प्रोलीफरेशन होता है, उसके अंदर बढ़ाव होती है, किसके द्वारा, कौन सी प्रोसेस के द्वारा, हाइपरप्लेजिया के द्वारा। एक कंट्रोल कंडीशन के अंदर सेल उसके नंबर में इंक्रीजमेंट होना क्या कहलाता है, हाइपरप्लेजिया। और उसके अंदर समथिंग 4 to 5 mm वापिस उसकी थिकनेस मेंटेन हो जाती है,
प्रोलीफरेटिव फेज में। नेक्स्ट फिर 14 to 28 डेज के अंदर आती है अपनी सीक्रेटरी फेज। इस फेज के अंदर हाइपरप्लेसिया के साथ साथ हाइपरट्रॉफी की कंडीशन भी वहाँ पे परफॉर्म होती है। हाइपरट्रॉफी क्या होता है? सेल है उसकी साइज में इंक्रीजमेंट होना, सेल है उनकी साइज के अंदर भी क्या होता जाता है, इंक्रीजमेंट होता जाता है, नंबर के साथ साथ साइज में भी इंक्रीजमेंट होता जाता है। और अपनी 14 to 28 डेज में क्या होता है, वापस 5 से 6 mm है उसकी अपनी थिकनेस है वो मेंटेन हो जाती है। इसकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो 5 से 6 mm फिर से रिस्टोर हो जाती है। अगर इस सिक्रेटरी फेज में फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है, यही अपन प्रीवियस अपने ओवेरियन चेंजेस के अंदर पढ़ रहे थे कि उसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो गया और वो क्या करता रहा है, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का 26वें से 28वें दिन तक डिसअपियर हो जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो धीरे धीरे क्या करने लग जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होता है तो वो कौन से डेज तक, 12 टू 14 डेज तक समथिंग फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उस धीरे धीरे वो अपनी प्रोसेस क्या हो जाती है उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है और इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन एज ए प्रेगनेंसी मेंटेनेंस में करने लग जाता है। लेकिन अगर क्या नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो 26वें से 28वें दिन तक उसको किसी प्रकार का कोई भी मैसेज नहीं मिलता है, वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, डिसअपियर हो जाता है और नेक्स्ट साइकिल में फिर इंक्लूड हो जाते हैं, वो नेक्स्ट साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यूट्रस के अंदर भी सिक्रेटरी फेज के अंदर क्या होते हैं, चेंजेस हैं वो दिखाई देते हैं। इस फेज के अंदर क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाती है, वहाँ पे उस प्लेसेंटर जो या फिर जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बना था उसके इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाती है, उसके इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वापस वो सिक्रेटरी फेज या फिर जो एंडोमेट्रियम है वो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रेडी हो जाती है, कि जो अपनी एंडोमेट्रियम है वापस से क्या हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है। अगर वहाँ पे क्या होता है, एंडोमेट्रियम है उसके अंदर या फिर जो फर्टिलाइजेशन अगर होता है तब तो एंडोमेट्रियम है वो आगे की तरफ इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब अपनी ये जो एंडोमेट्रियम है वो किसके लिए रेडी हो जाती है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए वो क्या हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है। और प्रोजेस्टेरोन की जो अमाउंट है वो अपने अगर क्या होता है, जो ओवेरियन चेंजेस उसके अंदर जो ल्यूटियल फेज है या फिर जो सिक्रेटरी फेज है उस दौरान क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसकी पीक अमाउंट होती है, सबसे ज़्यादा अमाउंट है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सिक्रेटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज के दौरान होती है। और इस प्रोजेस्टेरोन का मेनली काम क्या है, अपनी एंडोमेट्रियल थिकनेस है उसको मेंटेन करना, एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस को पूरी तरीके से क्या करना, फुली तरीके से वापस उसको मेंटेन करना। ये था छोटा सा एक टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।